दोस्तों, टाटा सफारी का फेसलिफ्ट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसके फेसलिफ्टेड टेस्टिंग मॉड्यूल को स्पाइक किया गया है विद न्यू एलॉयज, हेडलाइट सेटअप एंड टाटा लोगो। अब टाटा की जो भी कार्स आ रही हैं फेसलिफ्ट होकर, वो सारी कर्व के कंसेप्ट पर बेस्ड होंगी। इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं टाटा हैरियर ईवी के रूप में, जो कि टाटा ने ऑटो एक्सपो में शोकेस की थी। अगर बात करें इसमें चेंजेस की, तो सबसे बड़ा चेंज होगा फ्रंट प्रोफाइल में। नया हेडलैम्प सेटअप इसे दिया जाएगा, ठीक वैसा जैसे हैरियर ईवी में देखा गया है। एलॉयज का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया है, और फोटोज़ में देखने में ये एलॉयज आउटगोइंग मॉडल में जो एलॉय आते हैं उनसे एक साइज बड़े लग रहे हैं। तीसरा बड़ा चेंज होगा टाटा के लोगो में। अब ये पुराने लोगों के साथ नहीं आएगी, इसमें नया लोगो दिया जाएगा। इंजन की बात करें तो इसमें दो तरह के इंजन आएंगे, एक डीजल इंजन जो 2 लीटर का है, जो अभी आउटगोइंग मॉडल में भी प्रोवाइडेड किया गया है। ये इंजन आपको 170 पीएस की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है, जबकि एक नया इंजन आएगा जो होगा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। ये भी आपको 170 पीएस की पावर निकाल कर देगा, लेकिन इसमें टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा डीजल इंजन के तुलना में। इसमें टॉर्क मिलेगा 280 न्यूटन मीटर का, और दोनों ही इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। अभी जो सफारी का टॉप मॉडल आता है उसमें एडास मिलता है, तो इस फेसलिफ्टेड मॉडल में भी एडास देखने को ज़रूर मिलेगा। और हो सकता है कि इस बार टाटा इस फेसलिफ्ट में जो मॉडल होंगे उसमें टॉप वेरिएंट्स के अलावा मिड वेरिएंट्स में भी एडास दे दे। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं इस नई टाटा सफारी में जो फेसलिफ्ट होगा उसमें क्या क्या चेंजेस टाटा देगी हमें, और किस प्राइस सेगमेंट में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।